लोकसभा के छठा चरण का जो चुनाव है वो बहुत ही दिलचस्प है। वो चुनाव देखने के लिए अगर आपको, अगर उम्मीदवारों के बीच अगर टक्कर देखना है तो हम आपको सीधा ले चलेंगे शिवहर लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर शिवहर लोकसभा क्षेत्र में दो ऐसे दिग्गज प्रतिनिधि है, दो ऐसे दिग्गज उम्मीदवार है जो आम जनता की पूरा मोमेंट को ही चेंज कर देता है। अब दो तरफ से मोमेंट को चेंज करता है, एक जो है करप्शन, दूसरा जो है लोकसभा चुनाव में आम जनता की भविष्य को तय करना। और ये दोनों ऐसे पलटी मारते हैं जैसे किसी तेज रफ्तार की गाड़ी पलटी मारती है। इतने तूफान एक्सप्रेस ये शिवहर लोकसभा क्षेत्र में जो है आज मौजूद होते हुए प्रतिनिधि आपस में जो है कटाक्ष करते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे शिवहर लोकसभा क्षेत्र में रितु जसवाल के तरफ आम जनता पलटी मार रहे हैं। आम जनता पलटी इसलिए मारते हैं क्योंकि चुनाव का माहौल देख करके आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर एक तरफा रितु जसवाल को शिवहर लोकसभा क्षेत्र में क्यों चुने जा रहे हैं, मतलब कारण क्या है। देखिए ये मेरा प्रतिक्रिया नहीं है, ये वहाँ के आम जनता की प्रतिक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि मैंने वहाँ अभी पिछले ही हफ्ते विजिट के लिए गया था और मुझे पता चला कि वहाँ गया था और लोगों ने बताया कि मैं अपना प्रतिनिधि रितु जसवाल को मान चुका हूँ। और मैं ऐसे आपको बताना चाहूँगा कि रितु जसवाल सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं और आनंद मोहन जो है वो पूरा दुनिया जानती है कि आनंद मोहन कहाँ के हैं, बताने की जरूरत नहीं। लेकिन क्यों पलटी मार रही है आम जनता, सीधे पलटी रितु जसवाल की ओर मार रहे हैं भविष्य के लिए। अब आम जनता कह रहे हैं कि भविष्य में अगर सुरक्षित रहना है तो हमें रितु जसवाल को चुनाव करना ही पड़ेगा, हमें शिवहर की प्रतिनिधि बनाना ही पड़ेगा। अगर भविष्य में अगर करप्शन और बैक डोर में अगर जाना पड़ेगा तो आपको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से आनंद मोहन का कैरेक्टर रहा है, किस प्रकार से आनंद मोहन की वर्चस्व रहा है और किस प्रकार से आनंद मोहन की दादागिरी रही है। चलिए दूसरी तरफ आपको बताने की कोशिश करेंगे हम, वही हमने जानने की कोशिश किया कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, ये दोनों की जब 17 महीने की सरकार थी तब जो है आनंद मोहन को बाहर निकाला गया था। हालांकि पूरा भारत जानती है इस बात को, कानून में संशोधन करके और तब जो है आनंद मोहन को निकाला गया था, और सिर्फ इसलिए निकाला गया था कि चुनाव में जो है आनंद मोहन कहीं ना कहीं एक पिलर की तरह काम करेंगे। लेकिन क्या हुआ, ऐसे लोकसभा मिला जहां पर बेटा पहले से विधायक है, उसके बाद जो है आनंद मोहन की पत्नी जब इस लोकसभा क्षेत्र के मैदान में उतरी है तो आम जनता की पहल क्या है, आम जनता की राय क्या है, वो तमाम जानकारी लेने के लिए हमने जो है शिवहर लोकसभा क्षेत्र में जो है पहुंच चुके। जब वहां की ग्राउंड रिपोर्टिंग पर हमने जब लोगों से बात किया तो लोगों ने जो कहा वो भी वही बात हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। जो लोगों ने कहा, आम जनता ने जो कहा, वही बात हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा क्या शिवहर लोकसभा क्षेत्र में रितु जसवाल लोकप्रियता कैसे हुई, या आनंद मोहन अगर शिवहर लोकसभा क्षेत्र में आए तो आम जनता ने पहल क्या किया, क्या लोकसभा क्षेत्र में आनंद मोहन को किस प्रकार की मनोदिशा से जो है देख रहा है, क्या आनंद मोहन की जो पत्नी है लवली आनंद क्या एक से एक मैनिफेस्टो लेकर के आती है, क्या वो मैनिफेस्टो शिवहर लोकसभा क्षेत्र के जो आम जनता है उन्हें पसंद आ भी रहा है या ना आ रहा है। और अगर हम बात करें तो दोनों वहां महिला उम्मीदवारों की मैं बात कर रहा हूँ, आईएएस की पत्नी रितु जसवाल और दूसरी तरफ आईएएस के हत्यारा आनंद मोहन की पत्नी, अब जरा बताइए। और लोग वहाँ क्या चुनते हैं, लोग साफ तौर पर कहते हैं कि एक जो है आईएएस की पत्नी है जो कि रितु जसवाल है और उसने अपने नाम अपने काम से पहचाने जाते हैं। दूसरी तरफ है कि लवली आनंद के बारे में भी बताए जाते हैं कि वो भी अपनी
वर्चस्व दादागिरी और करप्शन के मामले से